मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने दोनों नागपुर को देकर हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी तैयार की है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय राव साहेब दानवे, डॉक्टर भारती पवार, आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुड़े जी, सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले देश के हृदय स्थान और भारत का टाइगर कैपिटल तथा ऑरेंज सिटी से मशहूर इस नागपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नागपुर की जनता की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे यहां जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें विशेष रूप से हमारी महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि महामार्ग का भी उद्घाटन हो रहा है। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ये हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री के काल में इस मार्ग की शुरुआत करने का संकल्प किया। एकनाथ जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी संभाली और आज एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में इस महामार्ग का निर्माण पूरा हुआ है, जो विदर्भ और मराठवाड़ा में पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं विशेष रूप से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का, देवेंद्र जी का, एमएसआरडीसी के सभी अधिकारियों का, महाराष्ट्र सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे एमएसआरडीसी से मेरा बहुत भावनात्मक रिश्ता रहा है। मैं एमएसआरडीसी का संस्थापक भी हूं और उसी समय मुंबई में 55 उड्डान पुल और देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट एमएसआरडीसी के द्वारा ही बनाए गए थे। और आज एमएसआरडीसी ने यह भी काम किया है, इसके लिए मैं निश्चित रूप से एमएसआरडीसी का, देवेंद्र जी का और एकनाथ जी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस काम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं वो विशेष रूप से अमृत सरोवर का, जल संधारण का। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से ये मार्ग बनाते समय बहुत बड़े प्रमाण पर विशेष रूप से तालाब, नदियां, नालों की खुदाई की गई और अनेक प्रकार से वाटर कंजर्वेशन का काम भी बड़े प्रमाण पर हुआ है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 600 लाख क्यूबिक मीटर का वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, 300 फॉर्म पॉइंट्स, 250 नदी नालों का खोलीकरण और 405 तालाब की खुदाई, ये भी काम हमने राष्ट्रीय महामार्ग बनाते समय किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे यहां अमृत सरोवर में भी बहुत बड़े प्रमाण पर यह काम हुआ है। इसी हाईवे से मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम औरंगाबाद से पुणे तक हाईवे बना रहे हैं और जल्दी ही उसके कार्य का शुभारंभ होगा, जिससे नागपुर से पुणे हम केवल 6 घंटे में पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके साथ साथ विशेष रूप से महाराष्ट्र में हम 6 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक सूरत चेन्नई है, जो सूरत से मुंबई में पुणे में ट्रैफिक आता है साउथ के तरफ जाने का, अब वो मुंबई और पुणे नहीं आएगा, मुंबई को पोल्यूशन प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से बेंगलोर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, हैदराबाद, पूरे दक्षिण की तरफ जाएगा। इंदौर से हैदराबाद एक द्रुतगति महामार्ग बन रहा है, हैदराबाद से रायपुर ये मार्ग भी महाराष्ट्र से जाने वाला है, नागपुर से विजयवाड़ा, पुणे से बेंगलोर और पुणे से औरंगाबाद। ये करीब महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में होने वाले हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि ये एम्स प्रधानमंत्री जी की देन है। आज इस एम्स के कारण विदर्भ, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत अच्छी वैद्यकीय सुविधाएं मिली है, और इसके साथ साथ जो आईएम है उसकी भी बिल्डिंग इतनी सुंदर है कि पूरे देश से इसको देखने के लिए लोग आने लगे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने दोनों नागपुर को देकर हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी तैयार की है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज नागपुर मेट्रो का प्रथम चरण प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र समर्पित किया है, और उसके बाद उन्होंने मेट्रो 2 का भी आज भूमि पूजन किया है। इसके लिए भी मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अजनी और हमारा मेन स्टेशन, इसका भी आधुनिकीकरण करने के भी प्रकल्प के लिए आज उन्होंने विशेष रूप से उसका भी भूमि पूजन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो मेट्रो है ये ऐसा भारत का एकमात्र प्रोजेक्ट है कि जो फास्टेस्ट मेट्रो महाराष्ट्र देश में पहली बार पूरी हुई कम समय में। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है, और करीब करीब एशिया बुक रिकॉर्ड्स में 4 रिकॉर्ड इसने बनाए हैं। देश का पहला मल्टी लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3.14 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर, ये विश्व का रिकॉर्ड बना है। ये ग्रीन मेट्रो है और इसके लिए भी इस बात का हमें बहुत अभिमान है। मेट्रो का भी काम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे दीक्षित जो मेट्रो के प्रमुख है उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा काम हुआ है। आज वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन की भी शुरुआत नागपुर से बिलासपुर के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए, उसी के लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से पहली बार देश में रेलवे मंत्रालय ने हमारे ब्रॉडगेज का उपयोग करके नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर और नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, यहां भी हमारी ब्रॉडगेज मेट्रो चलेगी, और इसके कारण भी विदर्भ के विकास में बहुत गति मिलेगी। हमारे मेट्रो की कॉस्ट 300 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, पर ब्रॉडगेज मेट्रो की कॉस्ट केवल 4 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से इन मेट्रो के लिए हम नए रोजगारों बेरोजगारों को ये काम देने के लिए सोच रहे हैं। मैं रेलवे मंत्री जी को, हमारे नगर विकास विभाग के मंत्री पुरी जी को, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने नागपुर को ये सौगंध दी है, इसके लिए हृदय से उनके बहुत बहुत आभार मानता हूं। नागपुर की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। और समृद्धि महामार्ग एक ऐतिहासिक महामार्ग बनाया, इसके लिए भी देवेंद्र जी को और एकनाथ शिंदे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।